नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में विपक्ष के महाजुटान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की बुलाई इस बैठक में 26 दलों के नेता पहुंचे हैं। इस पर सियासत भी तेज हो रही है, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंघानिया भी कूद गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज फिर ठगबंधन वाले साथ साथ हैं, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। उन्होंने आगे लिखा कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन में आए हुए सभी लोग अपनी अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन अवसरवाद और परिवारवाद से ग्रसित इन सभी लोगों का असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में देवतुल्य जनता इन सभी दलों का सूपड़ा साफ करते हुए एक बार फिर कमल खिलाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ औचक बैठक की, जिसमें सीएम धामी उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात से हो रही बारिश के बाद स्थिति का जायजा लिया और उसको लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर सभी अधिकारी को अलर्ट रहने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। तो सीएम धामी ने बारिश के बाद स्थितियों का जायजा लिया है। 4 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल विभाग की बैठक में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने बैठक की। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊँ की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। ऊधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले। तुरंत ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है, उससे कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की लक्सर एरिया काफ़ी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, NDRF, SDRF, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है। लोगों को राहत पहुँचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुँचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों की किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में और एक बच्ची को भी उनकी भी मृत्यु हुई है। अदरवाइज़ हमने कोशिश करी है लोगों को कम से कम दिक्कत हो और कोशिश हमारी जारी है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका स्वास्थ्य हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें आपदा से कैसे निपटा जा सकता है उस विषय पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज डिफेंस कॉलोनी स्थित पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य हाल समाचार उन्होंने जाना। इस दौरान स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के जो विभिन्न विषय हैं, उन विषयों पर भी उनकी बातचीत हुई है। यहीं जो आवास है डिफेंस कॉलोनी का, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की, क्योंकि पिछले ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय से, कुछ महीनों, एक महीने से लगभग ज़्यादा समय यहाँ पर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य खराब हुआ था, तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की जो सलाह है उन्हें आराम करने के लिए दी गई है और उसी स्वास्थ्य को जानने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचे थे। इस दौरान ये कह सकते हैं कि राज्य के विभिन्न विषयों पर भी बातचीत हुई। मीडिया पर कुछ भी कहने से इस समय मुख्यमंत्री की तरफ से मना कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वास्थ्य खराब है तो इस समय मीडिया से ऐसे भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी मना कर दिया गया और राज्य में जिस प्रकार से आपदा आई है उस आपदा को लेकर भी बातचीत यहाँ पर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत हुई है कि किस प्रकार से राज्य की जनता को राहत पहुँचाई जा सकती है, कैसे राहत बचाव काम तेज किए जा सकते हैं। ये समझा जा सकता है कि अनुभव जो रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेने के, उन अनुभव साझा करने की बात यहाँ पर हुई है, ताकि उत्तराखंड राज्य में इस आपदा को बचाया जा सके। कैमरामैन सुनील साहब, अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। श्रीनगर डैम से 3000 क्यूमेक्स पानी छोड़े जाने को लेकर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। डैम से अलकनंदा नदी का पानी छोड़े जाने से हरिद्वार समेत निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार में
अधिकारी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपदा की सूचना मिलने के बाद SDRF, NDRF और राहत टीमों को अलर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। कल जो पानी छोड़ी गई थी श्रीनगर डैम से, तो नीचे हमने अलार्म वगैरह बज गए थे, क्योंकि ऊपर में हमने पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो पानी रोकने के लिए कहा था श्रीनगर में भी और टिहरी डैम में भी, लेकिन चूँकि श्रीनगर डैम की उनकी कैपेसिटी कम है तो उनको कुछ पानी छोड़नी पड़ी। उसी कारण नीचे चूँकि ऑलरेडी पानी बारिश ज़्यादा हो रही है तो ऊपर से जब पानी आया तो ज़्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है, जैसे ही छोड़ा जा रहा है नीचे के सारे एरिया में अलर्ट हम भेजा जा रहा है। उधर लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पीड़ितों की मदद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राशन किट मुहैया कराई जा रही है, तो वहीं इस बीच लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बाढ़ पीड़ितों को 100 क्विंटल चावल वितरित किए। इस दौरान संजय गुप्ता ने कहा कि बाढ़ से हुई तबाही को लेकर वे बहुत दुखी है, सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम सिंह धामी की प्रेरणा से उन्होंने अपने स्तर से 1000 बाढ़ पीड़ितों को 10-10 किलो चावल पैकेट बांटे हैं। सोलानी का बांध टूटने से लक्सर नगर केंद्र और आसपास गांव में बरसात के पानी से भारी नुकसान हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए थे और उन्होंने सबकी पीड़ा को देखा और समझा। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सोलानी का बांध टूटा है उसको मरम्मत शीघ्र की जाए। उन्होंने जो पानी जहाँ से सोलानी नदी बन के चलती है उसका पानी भी डाइवर्ट कराया और प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी भूखा ना सो पाए। उसी के मद्देनज़र मैं लक्सर से 2 बार विधायक देवतुल्य, जनता ने मुझे चुना, मेरे मन में प्रेरणा आई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी प्रेरणा से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने यहाँ आज 100 क्विंटल चावल 10 किलो के 1000 कट्टे बांटने का। जनता के लिए अगर आप जनप्रतिनिधि होकर कुछ करेंगे तो जनता कैसे आपको सर आंखों पर बैठाएगी, इसका रियल लाइफ तस्वीरें रुड़की सिविल लाइन से सामने आई है। दरअसल रुड़की में बाढ़ से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लाखों रुपए की लागत से पाइप मंगवाकर बड़े बड़े पंप सेट लगाकर लोगों को जलभराव से निजात दिलाई। साउथ सिविल लाइन से बीच पाइप को ले जाकर कॉलोनी के बैक साइड नाले से डाल दिया, जिसके बाद ऑपरेशन सफल हुआ, जिसके बाद खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने उमेश कुमार का दूध ने नायक फिल्म के हीरो अनिल कुमार की तरह अभिषेक किया और उमेश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। देश प्रदेश में बाढ़ बारिश में त्राहिमाम मचा हुआ है। टिहरी डीएम मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह बारिश में अलर्ट रहें और सबकी छुट्टियां निरस्त की हैं। साथ ही कहा कि कोई अधिकारी अपना मोबाइल ऑफ ना करे। जिस भी अधिकारी का मोबाइल ऑफ पाया गया और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वहां अलर्ट मोड में रहकर जहां पर भी किसी सड़क पर बंद होने का संदेश प्राप्त होता है तो वह तत्काल जेसीबी से खुलवाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हिंद महासागर, अरब सागर से हमारे जो मानसून उठता है, प्रत्येक वर्ष उठता है और तेज हवा के माध्यम से फिर वो आपका उत्तर भारत की तरफ वो आने का काम होता है और बरसात के समय में पहाड़ों में जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है और सबसे पहले कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ननिहाल जो स्कूल जाते हैं, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर रहती है। पहाड़ों में पत्थर गिरने का भी संभावना रहती है। ठीक है, कुछ जो शहरी इलाके हैं वहाँ सुरक्षित हैं, पर जो पहाड़ी इलाका हमारा है तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को दूर दूर तक पैदल जाना होता है। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भी पैदल सफ़र करके हमारा जो छात्र जाता है। ऐसी स्थिति में होती है तो ऐसा जो कॉलेज प्रशासन के पास कोई ऐसे अधिकार होने चाहिए कि वो जो अपने अपने अधिकारों से वो बच्चों को उस दिन की छुट्टी कर सकता है। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते राज्य भर में जगह जगह से मलबा आने की खबर सामने आती रही है। इसी क्रम में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आ गया, जिससे छिनका नंदप्रयाग बाजपुर बीपल कोटी पास राजमार्ग बाधित हो गया। रास्ता खोलने का काम जारी है। वहीं राजमार्ग के आरपार वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। कबरकंड प्रयाग से जहां रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है,
जिससे नदी के किनारे स्थापित घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि प्रशासन की ओर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। वर्माम में नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र में 25 मीटर दूर तक बह रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडेरी डैम के पास मार्ग बाधित हो गया। बावजूद इसके एक टेम्पो चालक जबरदस्ती सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते मलबे में फंस गया और तभी पहाड़ी से मलबा आ गया और टेम्पो सड़क पर ही अटक गया। हालांकि चालक बाल बाल बच गया है। वहीं मौके पर प्रशासन भी मौजूद रहा। कबल लश्कर से जहां सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मेन बाजार में पहुंचकर पीड़ितों से उनका हालचाल जाना तो व्यापारियों ने अपनी परेशानियां बताई। उसके बाद उन्होंने लक्सर क्षेत्र के ढंडोड़ी के गांव पहुंचकर तटबंध का निरीक्षण किया। साथ ही खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर मथाना टूटी सड़क का भी निरीक्षण किया। तभी पूर्व सीएम और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लक्सर और खानपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम में लगा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, वह खुद भी अधिकारियों के कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। सहायता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अहेतुक राशि बहुत तेजी से बंट रही है। जिसको जो जरूरत है मानकों के आधार पर, जिसका जो अधिकार है जो बनता है उसमें कोई कमी नहीं है। और यदि कहीं कोई शिकायत होगी तो तत्काल उसको दूर किया जाएगा। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि आपदा राहत में किसी कीमत पर कोई लापरवाही न बरतें। एक और भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता का बीएसएम शिक्षण संस्थान प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं अब संस्थान के डायरेक्टर रजनीश शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले लोग खुद ब्लैकमेलर हैं, जिन पर उनकी ही तरफ से गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्हें ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को फर्जी बताते हुए संस्थान की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की कार्यकारिणी का गठन फर्जी तरीके से किया गया और बीएसएम शिक्षण संस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मिले रहे हैं और वो सब दुराचारियों का साथ देने वाले हैं। जो लोग यहाँ कॉलेज में अनैतिक कार्य करने में पकड़े गए या जिनके विरुद्ध शिकायत हुई या कोई जो को फर्जी लोग कर रहे हैं, सब उनके साथ वो लोग लग रहे हैं और वो हम पर ये अनुचित दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। लेकिन जो नियमानुसार कमेटियां बनी हुई, जो उनकी कार्रवाई भी वो जारी रहेगी, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। और उनकी ब्लैकमेलिंग के विरुद्ध हमने थाना गंगनहर कोतवाली रुड़की पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उत्तराखंड को देश में निर्यात तैयारी सूचकांक रैंकिंग में देश भर में 9वां और हिमाचल राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसे मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश के लिए बताई है। सीएम ने इसे राज्य सरकार, अधिकारियों, प्रदेश की जनता के प्रयासों का प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री पुरुषोत्तम धामी ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति की है। साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, क्योंकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और नीति आयोग द्वारा देश तैयार सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का समग्र रूप देश भर में 9वीं रैंक मिली है। वही हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। इस मौके पर सीएम पुष्करसिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है, जिसके विपक्ष इसे कागजी बता रहा है। जमकर इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ था निश्चित रूप से एक दुखद घटना थी। उसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करते, जो जो सरकार के द्वारा किया जा सकता था
त्वरित कार्रवाई की गई। और अब मामला क्योंकि न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय पे भी हमको भरोसा करना चाहिए। और कांग्रेस का मुझे लगता है चाहे देश की कोई भी संवैधानिक संस्था हो, चाहे न्यायालय से भी कांग्रेस का, न्यायिक प्रक्रिया से भी कांग्रेस का विश्वास उठ चुका है, इसलिए उनको न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए। और जिस प्रकार से वो बिना मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से लोगों को बरगलाने का और भड़काने का काम के अलावा उनका कोई काम नहीं रह गया है। उत्तराखंड में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक के साथ 42 लाख की धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड एसडीएफ की तरफ से बीमा फ्रॉड से जुड़े साइबर क्रिमिनल्स की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस फ्रॉड के नाम पर देश भर में 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर दर्ज हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों को भी तलाश की जा रही है। हमारे यहाँ एक कंप्लेनेंट आए थे 82 साल के, उनके साथ 42 लाख का इंश्योरेंस के नाम पे फ्रॉड हो गया। वो बेचारे कई सालों तक ये समझ करके जिन मिल ली कि मेरी बीमा किस्तें जा रही हैं, इनमें किस्तें भरते रहे। और तब जब उसके पता चला तो उसने हमारे साइबर थाने को रिपोर्ट किया। तो इसमें हम एक गैंग लीडर पकड़ करके लाए अजीत राठी गाजियाबाद से, जिसने जिसके पास से हमें बहुत सारे मोबाइल मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं, और उसके खिलाफ इन मोबाइल और सिम कार्ड के डाटा के बेसिस पे हमने जब मिलान किया है तो 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर मिले हैं देश भर में। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले 2023 लगभग समाप्त हो गया है। आशिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्य पर भगवान भोलेनाथ का हरिद्वार से लेकर गए हुए जल से जलाभिषेक करेंगे। वहीं इस बार कांवड़ मेले की बात करें तो 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार में आए। इसी के साथ धर्मनगरी में कांवड़ मेले की कई तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें शिव भक्तों के भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिले। देखिए, नशा आपने देखा होगा, नशा तो उनके पास भी होता है और नशा उनको हरिद्वार में भी प्रोवाइड होता है। तो जो ये नशेड़ी लोग हैं, नशा बेचने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, मैंने पहले भी इसके लिए आपको कहा था, हम सबको मिलकर के इनको जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजना पड़ेगा, तभी जो है नशा मुक्त हो सकता है, चाहे वो हरिद्वार हो, यूपी हो, उत्तराखंड को हो, कोई भी हो। जब तक नहीं इनको हम जो है नशा मुक्ति केंद्र में भेजेंगे, तब तक हमारा हरिद्वार नशा मुक्त नहीं हो सकता। नीति आयोग द्वारा तैयार निर्यात तैयारी सूचकांक 2013 में उत्तराखंड को समग्र रूप में देश भर में 9वीं रैंक मिली है, वहीं हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है, जबकि विपक्ष इसे कागजी बता। सरकार का हमेशा इस ओर ध्यान है कि हम कैसे अपना रोज़गार ज़्यादा बढ़ाएं और कैसे हम अपना राजस्व ज़्यादा बढ़ाएं। अगर जब आपको राजस्व भी बढ़ाना है, रोज़गार भी बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई न कोई ऐसे प्रोग्राम्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे कि जिससे निर्यात, जो भी चीज़ हम लोग उत्पाद करते हैं प्रदेश के अंदर, उसका निर्यात हो। तो उसी के मद्देनज़र पिछली सरकार भी जब हमारी थी 2017-18 में, उस सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई थी और उस योजना को धामी जी ने, जब अभी सरकार आई तो धामी जी ने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको सशक्त बनाने का काम किया है, तो उसके रिजल्ट सब आने लगे हैं। तो हमें आशा है कि
आने वाले समय पे और इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि लोगों को अधिक रोजगार मिले। भले ही भाजपा नीति आयोग की रिपोर्ट को दे गदगद है, मगर कांग्रेसी गुस्से से लाल हो रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि धामी सरकार की उपलब्धि को आंकड़ों की कारगिरी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस नेताओं की माने तो प्रदेश में विकास के नाम पर सिर्फ हवा हवाई घोषणाएं हुई है, धरातल पर उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, क्योंकि उत्तराखंड से निर्यात हुआ है, भ्रष्टाचार का निर्यात हुआ है, महिला अपराध में अग्रणी स्थान उत्तराखंड का है। ऐसे में किस चीज़ के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है भाजपा, समझ से परे है, क्योंकि आम जनता का तो बुरा हाल है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आपकी नीतियों के चलते जो जनता ऑलरेडी आधी मरी हुई है उसको पूरा मार दिया आपने। इतवार के दिन मंडी बंद रहती है, सामान आता नहीं। सोमवार को आपने अपना कार्यक्रम कर दिया निरंजनपुर मंडी में, सामान गिरा नहीं, उसकी वजह से दो दिन मंडी में सामान नहीं आया, तो आज फिर टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा है। कम से कम ऐसा तो ना करिए। तो कहीं ना कहीं जो ये नवा स्थान सातवा स्थान है, ये यहाँ की जनता के दिल से कोई पूछे, यहाँ की जनता अंदर से इतनी पीड़ित इतनी आक्रोशित है, वो आपको देखने को मिला जिस तरह से निशंक का घेराव किया गया जब वो बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। जनता भाजपा के नेताओं को पार्षदों को अब नहीं, नमस्कार।